नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। किसान आंदोलन सातवें दिन जारी, सिंधु बॉर्डर पर चल रही संगठनों की बैठक। उत्तर प्रदेश में 43 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। कांग्रेस ने किसानों के विरोध के बीच संसद बुलाने की मांग। 13वें बेंगलुरु फिल्म फेस्टिवल का फरवरी और मार्च में होगा आयोजन। हैदराबाद कार दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत। किसानों के मुद्दे पर अमित शाह की एक और बैठक। 7वें गोवा मुक्ति दिन के समारोह की आयोजन समिति द्वारा आयोजित की गई पहली बैठक का कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने बहिष्कार किया। गोवा मोर्जी के नागरिकों ने मंगलवार को मोर्जी सी टर्टल ट्रस्ट और उसके द्वारा आयोजित किए गए गोवा सी टर्टल फेस्टिवल को विरोध किया। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने जीएमसी का पे पार्किंग स्थगित किया। गोवा सरकार ने ओल्ड गोवा को योजना निकाय में शामिल करने का प्रस्ताव हटाया। गोवा प्रदेश महिला कांग्रेस ने कुकोलिम में 25 रुपये प्रति किलो प्याज बेचकर भाजपा सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की बधाई दी। मुंबई में योगी आदित्यनाथ से मिले अक्षय कुमार। गोवा भवमा में गंभीर सड़क दुर्घटना में एक की मौत। गोवा खान मामले पर चर्चा करने के लिए कल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी।